तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है हायर एजुकेशन के लिए अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है एडमिशन के सातवें चरण की जानकारी को लेकर दोस्तों। तो सातवें चरण के दोस्तों एडमिशन जो है 26 सितंबर को जो है दोस्तों यहां पर समाप्त हो चुके थे। उसके बाद दोस्तों यहां पर जो है 27 सितंबर से जो दोस्तों अपग्रेडेशन जिन विद्यार्थियों ने यहां पर करवाया है उनके जो एडमिशन है दोस्तों वो होने वाले हैं दोस्तों। तो 27 से लेके 30 तारीख तक दोस्तों यहां पर जो है अपग्रेडेशन वाले स्टूडेंट को जो है अपना यहां पर एडमिशन कराना है दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पर देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट लिंक के नीचे यहां पर सप्तम चरण CLC की समय सारणी हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। तो यहां पर जो है दोस्तों इसका जो PDF है आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर नीचे की तरफ आपको बताया गया है कि यहां पर जो है अपग्रेड वाले जो स्टूडेंट हैं उनका जो एडमिशन है यहां पर 27 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में यहां पर होने वाला है दोस्तों। ये जो है दोस्तों UG और PG मतलब स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों के लिए समय सारणी एक जैसी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंडर ग्रेजुएशन वालों के एडमिशन के लिए सबसे पहले यहाँ तो किसी भी ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एडमिशन की प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और वेरिफिकेशन की स्लिप आपको अगर यदि यहाँ से डायरेक्टली निकालनी है तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद अपग्रेडेशन का जो है दोस्तों ऑनलाइन अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस आपको यहाँ सबसे पहले ये करना है दोस्तों। तो ये जो है यहाँ पर बताई गई है डेट 27 से 30 सितंबर के बीच में। उसके बाद यदि आप दोबारा से अपना अलॉटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं, रीप्रिंट कराना चाहते हैं, तो इस वाले ऑप्शन को आपको यूज़ करना है। और उसके बाद यदि आप अपना अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस कर लेते हैं यहाँ, तो उसके बाद आपको अपनी एडमिशन फ़ीस यहाँ पर जमा करनी है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है अंडर ग्रेजुएशन जो है आफ्टर 12th आप यहाँ पर जो है 27 से 30 तारीख के बीच में अपग्रेडेशन वाले स्टूडेंट यहाँ पर जो है एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो उसके लिए सबसे पहले वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेम वही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको। तो सबसे पहले आपको यहीं पर आपको अपना अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस करना है दोस्तों, जिस भी विषय में आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद अपना जो है अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करना है, और अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के बाद दोस्तों आपको अपनी एडमिशन फीस पेड करनी है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जो होगा आपका दोस्तों, उसके लिए भी 27 सितंबर से 30 सितंबर के बीच की डेट यहां पर दी गई है। तो इस बीच में दोस्तों आप अपना यहां पर जो है एडमिशन करा सकते हैं।